दोस्तों आज हम आपको बताएंगे रैंडम फैक्ट का पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है तो जल्दी से वीडियो देख लो। तो वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, फुकुशिमा साइची जापान के पैथोलॉजिस्ट थे और दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास मरे हुए व्यक्तियों के टैटू का कलेक्शन था। मसाइची मरे हुए लोगों के शरीर से टैटू बनी हुई जगह की चमड़ी निकाल कर रखते थे। उन्होंने 2000 से भी ज़्यादा टैटू वाली चमड़ी जमा कर अपने पास रखी थी, लेकिन 1945 के युद्ध के दौरान फेंके बम में उनके बहुत से कलेक्शन खत्म हो गए और कुछ चोरी हो गए। अंत में उनके पास सिर्फ 105 कलेक्शन ही रह गए थे जिन्हें टोक्यो के मेडिकल पैथोलॉजी म्यूजियम में रखा गया। फैक्ट नंबर टू, अलबामा के पीजी स्प्रेगिंस को जब डॉक्टरों द्वारा बताया गया कि उनकी पत्नी को ल्यूकस है और 7 साल के अंदर उनके गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। इसके बाद स्प्रेगिंस ने 1 साल तक डाइटिंग और एक्सरसाइज करके अपने मोटापे और ब्लड प्रेशर कम किया, जिसके बाद वह अपनी पत्नी को गुर्दे दे पाए और उनकी जान बचाई। फैक्ट नंबर थ्री, अमेरिकन एक्ट्रेस हेडी लमा को किसी समय दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला माना जाता था, साथ ही वह मैथमेटिशियन और एक आविष्कारक भी थी। हेडी लमा ने फ्रीक्वेंसी होपिंग स्पेक्ट्रम का आविष्कार किया था जिसका इस्तेमाल आज वाईफाई और ब्लूटूथ में किया जाता है, लेकिन उस समय इस आविष्कार का पूरा श्रेय उनको नहीं दिया गया और बहुत ही कम लोग इन्हें जानते हैं। फैक्ट नंबर फोर, 24 अक्टूबर 1975 को पुरुषों के बराबर अधिकार पाने के लिए आइसलैंड की 90% महिलाओं ने मिलकर राजधानी रेजविक में हड़ताल किया था। इसके बाद पार्लियामेंट को महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार का कानून पास करना पड़ा। इसके बाद महिला को राष्ट्रपति बनाने वाला आइसलैंड दुनिया का पहला देश बन गया था और आज भी हाईएस्ट जेंडर इक्वालिटी के मामले में आइसलैंड सबसे ऊपर आता है। फैक्ट नंबर फाइव, 1950 के समय में जब बहुत सी महिलाएं गाड़ी चलाना सीख रही थी तो कुछ कंपनियों ने महिलाओं को आकर्षित करने के लिए गुलाबी रंग की कार लॉन्च की थी जो महिलाओं के पर्स, लिपस्टिक और बूट से मैच करती थी। डोजलाफम नाम की कार इन्हीं पिंक कार के उदाहरण थे। फैक्ट नंबर सिक्स, इटली की एयरलाइंस कंपनी अलिटालिया एयरलाइंस ने 2006 में गलती से टोरंटो से साइप्रस तक के बिजनेस क्लास का टिकट किराया $3,900 के बजाय $39 प्रिंट कर दिया था। इसके बाद कंपनी ने अपनी गलती मानी और 2000 के करीब लोग जिन्होंने इस प्रिंट रेट का टिकट बुक कराया था उन्हें इसी रेट के साथ उड़ने दिया, जिससे कंपनी को $7.72 मिलियन का नुकसान हुआ था। फैक्ट नंबर सेवन, फेसबुक ने एलिस और बॉब नाम के दो चैटबॉट रोबोट बनाए थे जिनका काम अंग्रेजी भाषा में इंसानों के सवालों का जवाब देना और उनकी मदद करना था, लेकिन एक बार जब दोनों रोबोट्स को आपस में बात करने की कमांड दी गई तो कुछ देर इंग्लिश में बात करने के बाद दोनों अलग ही भाषा में बात करने लगे जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रही थी। इसके बाद वैज्ञानिकों द्वारा इन दोनों रोबोट्स के इस्तेमाल को बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर एट, बिहार के कुछ जिलों में पकौड़े विवाह का चलन बहुत पुराने समय से चला आ रहा है, जिसमें शादी के लायक लड़कों को पकड़कर जबरदस्ती उनकी शादी कराई जाती है, इसीलिए इसे फोर्स मैरिज भी कहा जाता है। इस काम को शादियों के मौसम में किया जाता है और इसके लिए बहुत से गिरोह बने हुए हैं जो इस काम को करते हैं और हर साल पकौड़े विवाह की बहुत से घटनाएँ सामने आती है। फैक्ट नंबर नाइन, बिजनेसमैन फ्रेडी हाइनिकन जब क्यूरासाओ आइलैंड घूमने गए थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ रहने के लिए सेट बहुत कम है और कचरा हर तरफ फैला हुआ है, जिसमें उनकी कंपनी के बियर की बोतलें भी शामिल थी। इसके बाद उन्होंने ईंट के आकार की बियर बोतल बनाने का फैसला किया जिसे ख़त्म होने के बाद घर भी बनाया जा सकता था। इस कॉन्सेप्ट को हाइनिकन वर्ल्ड बॉटल के नाम से जाना गया था, लेकिन लोगों ने बोतल को ज़्यादा पसंद नहीं किया और इसे बनाना भी महंगा पड़ता था, इसीलिए कंपनी को इसे बंद करना पड़ा। फैक्ट नंबर 10, 2012 में 44 साल के रैंडी ली टेंसले नाम के व्यक्ति मोंटाना के हाईवे 93 पर रहस्यमय जानवर बिग बूट की तरह कपड़े पहनकर लोगों को डरा रहे थे और चाहते थे कि लोगों को लगे कि उन्होंने सच में बिग फूट को देखा है, लेकिन इस प्रैंक के दौरान लोगों ने डर से दो गाड़ियां टेंसले के ऊपर चढ़ा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें
और रोज ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल माई मिस्ट्रेस प्लैनेट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, क्योंकि जब भी ऐसे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।